नमस्कार, आदरणीय प्रधान आचार्य जी, अध्यापकगण, व्यवसाय पाठियों, मेरा नाम जैस्मिन है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है घमंडी मोर और बुद्धिमान सर्प। एक बार एक मोर था। वो बड़ा ही घमंडी मोर था। वो अपनी सुंदरता की बखान करता था। वो बोलता, जरा मेरे पंख तो देखो, कितना सुंदर है, कितना चमकीले हैं। मैं सभी पक्षियों से सुंदर हूँ। एक दिन नदी किनारे एक सारस दिखा। सारस को देख के मोर ने मुंह फेर लिया। सारस का अपमान करते हुए बोला, तुम कितने गीन पक्षी हो, तुम्हारा रंग सादा है, मेरा पंख सुंदर है। सारस ने कहा, तुमने सच कहा, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है, लेकिन तुम मुझे उड़ान नहीं भर सकते। मैं मुझे उड़ान भर सकता हूँ। ये कहकर सारस आकाश की ऊंचाई में चले गया और नीचे मोर सब से देखते रहा। ये कहानी से हम सीखते हैं सुंदरता की अपेक्षा उपयोग